उसको खा के आपके मुंह में फ्लेवर्स का मेला लग जाएगा। वो इसलिए क्योंकि उसमें है मिठास, उसमें है खटास और उसमें है तीखापन। इन ऑल इट्स अ चटपटी डिश। ये रेसिपी जो है ये पहली बार बनाई गई थी कच्छ गुजरात रीजन में और इसको बनाने वाले थे केशव जी गाबा। वो ही फेमस रेसिपी आज मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ अपनी किचन में और आप अपनी किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं कच्छी दाबेली। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सुगंधा और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने चैनल आउट ऑफ पैशन पे। अच्छी दाबेली बनाने के लिए सबसे जरूरी है दाबेली मसाला बनाना। दाबेली मसाला बाजार में भी अवेलेबल है बट इट इज बेस्ट टू मेक एवरीथिंग एट होम। तो सबसे पहले बनाते हैं दाबेली मसाला। दाबेली बनाने के लिए हम ड्राई रोस्ट करेंगे कुछ सूखे मसालों को। 3 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून सेसमे सीड्स यानी सफेद तिल, 1 छोटा टुकड़ा स्टार अनीस यानी चक्रफूल का, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 दाने काली मिर्ची के, 1 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट्स, 2 कश्मीरी लाल मिर्च और 1 पिंच ऑफ नटमेग। इन सब मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इन मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करने के बाद में हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये मसाला भुन के ठंडा हो चुका है, अब हम करेंगे इसको ग्राइंड। और ग्राइंड करने से पहले हम इसमें डालेंगे कुछ चीजें और। 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच नमक। दाबेली मसाला तैयार है। अब आते हैं दाबेली की फिलिंग पे। दाबेली की फिलिंग बनाने के लिए एक पैन को गरम करके उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और उसमें सौते करेंगे कुछ बॉइल्ड एंड मैश्ड आलू। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दाबेली मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट and about a teaspoon of red chili powder. Give it a mix. और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटोज। ये हैं 3 मीडियम साइज पोटैटोज जिसको बॉइल करके अच्छे से मैश कर लिया है। इसको मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी फॉर दैट पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी एंड देन वी मिक्स इट एंड कुक इट फॉर अबाउट 2 मिनट्स एंड दाबेली फिलिंग वुड बी रेडी। दाबेली की फिलिंग तैयार है, अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे एक प्लेट में, फिर इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दें। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वॉन्टेड पेस्ट लाइक, नॉट टू वॉटरी, नॉट टू थिक। जब तक दाबेली की फिलिंग ठंडी हो रही है तब तक हम बनाते हैं एक वो इंग्रेडिएंट जो दाबेली को देगा क्रंच। वो इंग्रेडिएंट है मसाला पीनट्स। ये है 1/2 कप ऑफ पीनट्स जिसको मैंने रोस्ट कर लिया है। अब इस सिकी हुई मूंगफली में मैं डालूंगी 1 चम्मच दाबेली मसाला एंड 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल एंड वी विल जस्ट मिक्स इट। क्रंची मसालेदार मसाला पीनट्स इज रेडी। दाबेली बनाने का नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है लहसुन की चटनी। इस जार में हम डालेंगे 3 कश्मीरी लाल मिर्ची जिसको हमने 1 घंटा सोक कर लिया है। मैं वही जार यूज कर रही हूँ जिसमें मैंने दाबेली मसाला पीसा था फॉर एडिशनल फ्लेवर्स। नेक्स्ट इज 1 टेबलस्पून ऑफ रोस्टेड पीनट्स और 15 से 20 कली लहसुन की।
salt to taste, half a teaspoon of red chili powder, 1 to 2 tablespoon of oil और जरा सा पानी। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे एक स्मूथ चटनी में। दावेली की फिलिंग तैयार है, मसाला पीनट्स तैयार है, गार्लिक की चटनी तैयार है। अब गार्निश करते हैं दावेली की फिलिंग को फाइनली चॉप्ड प्याज और हरे धनिए से, फ्रेश अनारदाने से और मसाला पीनट से। इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे फॉर इट टू सेटल बेटर। आखिर में बारी आती है दाबेली को असेंबल करने की, तो चलिए बन या पाव को बीच में से काट लेंगे। मैं बन यूज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई फील बन होल्ड्स द फिलिंग बेटर फॉर दाबेली। एक तरफ लगाएंगे इमली की चटनी। अगर आप इमली की चटनी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करी है। दूसरी तरफ लहसुन की चटनी, और इस पे हम स्प्रेड करेंगे अपनी ये फिलिंग को। एंड फॉर द फाइनल टच वील टॉप इट अप विथ सम सेव। ये बारीक सेव है जो बाजार में बहुत ही आराम से मिलती है। दैट्स इट। अब इसको एक तवे पे हम सेक लेंगे कुछ बटर या ऑयल के साथ। ये गया मक्खन और ये रही दाबेली। इसको अच्छे से सेक लेंगे जब तक ये क्रिस्प और गोल्डन नहीं हो जाती दोनों तरफ से। टाइम टू फ्लिप ओवर। बस 1 से 2 मिनट और तैयार है आपकी लाजवाब दाबेली। दाबेली तैयार है, अब इसको डिश आउट करते हैं। पर जाने से पहले वही बात, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।